तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर, CUET के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म और आपके सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 का रिजल्ट आ चुका है। काउंसलिंग प्रोसीजर बहुत जल्द अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का शुरू होने वाला है। इस बीच जो सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप सभी का आ रहा था, जो आपको लगातार हैरान और परेशान किए हुए हैं, जिनके हाई मार्क्स हैं उनके भी, जिनके लो मार्क्स हैं उनके भी, कि क्या हम CUET PG 2024 में यूनिवर्सिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, यानी यूनिवर्सिटीज़ को हम कैसे चुने अगर हमने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत कम यूनिवर्सिटीज चुना है। इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज, दो तीन प्रकार के सवाल आ रहे हैं, उन सवालों को मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसका जवाब क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है और सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि यहां पर आपको CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाएगी आपके एडमिशन, आपके काउंसलिंग के पूरे प्रोसीजर में। तो क्या क्या सवाल आ रहे हैं, इन सवालों को सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम जो है आपको जवाब देते हैं। सबसे पहले आपका यह आ रहा था कि हाउ टू चूज यूनिवर्सिटी फॉर CUET PG 2024, एक कॉमन सवाल था। इस सवाल में तीन प्रकार की क्वेरीज महत्वपूर्ण रूप से आ रही थी, जो पिछले हमारे लाइव सेशन में बहुत ज्यादा आया था। कैन आई चूज और ऐड यूनिवर्सिटी डायरेक्टली थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन। तो आपका सवाल यह है कि सर, मैंने फॉर्म में बहुत कम ही यूनिवर्सिटी भरा, मैं एक ही यूनिवर्सिटी भर पाया, भर पाई दो ही यूनिवर्सिटी भर पाया, या फिर तीन चार यूनिवर्सिटी भर पाया, लेकिन मेरा मार्क्स कम हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि और यूनिवर्सिटीज ऐड कर सकता हूं। तो क्या मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ये काम कर सकता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ? तो देखिए, इसमें दो संभावना है। पिछले वर्षों में NTA अपने वेबसाइट पर भी एक बार ओपन करता था कि आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी एडिशन कर लीजिए। साथ में जो यूनिवर्सिटीज़ अपना वेबसाइट जब ओपन करती हैं काउंसलिंग के लिए, तो उसमें आपके लिए रिस्ट्रिक्शन शायद ही कोई यूनिवर्सिटी लगाती है, उसके अलावा सारी यूनिवर्सिटीज ओपन कर देती है कि आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं भी उस यूनिवर्सिटी का नाम भरा है, तो अपने एप्लीकेशन नंबर वगैरह की डिटेल जो है वो वहाँ पर फिल कर दीजिए। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके, जिसका जैसे मान लीजिए आप BHU का काउंसलिंग कराना चाहते हैं, BHU आपने नहीं भरा, तो आप BHU का जब फॉर्म भरेंगे काउंसलिंग पोर्टल के लिए, तो वहां पर आप अपना डिटेल, एप्लीकेशन नंबर, स्कोर कार्ड वगैरह, स्कोर कितने आप मार्क्स पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप अपलोड कर देंगे, तो वहां से जो डाटा है BHU जो है NTA से ले लेगा आपका डाटा, और उसके आधार पर आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। यानी यूनिवर्सिटी एडिशन आप कर सकते हैं। अभी क्लियर नहीं है कि NTA की वेबसाइट पर पहले करके तब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर करना है, या फिर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको करना है, लेकिन काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू होते होते आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ, एडिशन का मौका आपको मिलेगा, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय को ऐड करना चाहते हैं। लगभग मान के चलिए कि 99% विश्वविद्यालय आपको मौका देते हैं, एक आध विश्वविद्यालय इस पर रिजीर हो जाते हैं, उसके अलावा मैक्सिमम आपको मौका देते हैं। दूसरा जो सवाल था सर, सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर, मेरा ये मार्क्स है तो मुझे NTA की वेबसाइट पर कब और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने 10 यूनिवर्सिटी भरा था एप्लीकेशन फॉर्म में, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि अब NTA की वेबसाइट पर ही मुझे बता दिया जाएगा कि हाँ, आपको BHU में एडमिशन हो रहा है, तब मुझे BHU की वेबसाइट पर अप्लाई करना है। ऐसा आपको नहीं करना है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना हो, BHU, DU, GNU, SCU, IFLU, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपने NTA की वेबसाइट पर जो भी मार्क्स प्राप्त किया है वो एक अलग बात हो गई। आपको उस यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट पर काउंसलिंग पोर्टल खुलेगा, उस पोर्टल पर आपको जाकर के अप्लाई करना होगा, तब जाकर के आपके सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर जब काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी तो उसमें अलॉट होगा। NTA की वेबसाइट पर कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, चाहे आपने 50 यूनिवर्सिटी भर दिया हो पहले ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वहाँ से सीट अलॉटमेंट नहीं होता है। सीट अलॉटमेंट अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अपनी वेबसाइट पर होता है, आप उसके काउंसलिंग प्रोसीजर को जब आप फॉर्म भर लेंगे उसका, तब। अब तीसरा जो सवाल है सर, काउंसलिंग वेबसाइट की अपडेट क्या है, यानी किस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुली है, किसकी नहीं खुली है। तो मैं आपको बता दूं, अभी किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ओवरऑल किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं खुली है। इस पर मैं आपको डाटा लेकर के आऊँगा कि कब किसका वेबसाइट खुल सकता है काउंसलिंग के लिए, तो उस पर मैं आपको अपडेट करूँगा। फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये है कि अपडेटेड रहिएगा। वेबसाइट्स काउंसलिंग के लिए 2-4-5 दिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी, कुछ 15 दिन में खुल जाएंगी, तो जिसका जब भी अपडेट आएगा मैं आप तक अपडेट पहुँचाऊँगा। इसलिए CUET PG की हर प्रकार की ऑफिशियल अपडेट के लिए हमारे दो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, CUET स्टडी कैपिटल, CUET PG स्टडी कैपिटल। CUET स्टडी कैपिटल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, CUET PG स्टडी कैपिटल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों सब्सक्राइब करके रखिए। हर प्रकार की यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के अपडेट आपको इन दोनों चैनल्स के माध्यम से हम देते रहेंगे। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हर एक वीडियो का लिंक यहाँ पर आपको दे दिया जाता है,
टेलीग्राम चैनल का नाम है CUET PG UG स्टडी कैपिटल। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे तो सारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक आप तक पहुंचती रहेगी। जो लोग 2025 की तैयारी करना चाहते हैं CUET PG 2024 की, स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करें और हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें अपना नाम, अपने कोर्स का नाम और बता दें कि मुझे CUET PG 2025 की तैयारी करनी है, तो बहुत जल्द हम आपके लिए कोर्सेज लेके आने वाले हैं 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। और आज जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज लेकर के आपके लिए आने वाला हूँ, आपका डिमांड तीन मुद्दों पर ज्यादा था, यूनिवर्सिटीज एडिशन को लेकर के, दूसरा कट ऑफ को लेकर के, तो मेरा सेकंड वीडियो दोपहर तक या शाम तक आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर, और तीसरा वीडियो आपको मिलेगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर। तो ये तीनों वीडियो, ये दोनों वीडियोज आपको आज मिलने वाले हैं। उसके आगे आने वाले समय में कल से आपको कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट बॉक्स के क्वेरी के आधार पर हम लगातार आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज दे रहे हैं। और पूरे काउंसलिंग, पूरे एडमिशन प्रोसीजर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितना हो सकेगा हम आप सभी का हेल्प करने का प्रयास करेंगे अपने लाइव सेशन के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्टडी कैपिटल अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज दीजिएगा, साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंच जाए कि यूनिवर्सिटी एडिशन का पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।